देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। हरदा जिले के विकासखंड टिमरनी के ग्राम रेहट गांव में थाना प्रभारी और उनकी टीम ने सूझबूझ के साथ कई दिनों से फरार आरोपी ओम प्रकाश को पकड़ा। आरोपी ओम प्रकाश सोनी ने टेमा गांव में निवास करते हुए 21 किसानों का 400 क्विंटल चना जिसकी कीमत करीबन 23 लाख रुपए थी खरीद कर फरार हो गया था, जिस पर थाना रेहट गांव में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। रेहट गांव थाना प्रभारी एवं टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी ओम प्रकाश सोनी को पकड़ा और उसके पास से 20,000 की साड़ियां, 14,300 रुपए नकदी, इंडिका कार को बरामद किया गया। शेष राशि की बरामदगी हेतु आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। कब से रह रहे हो इस क्षेत्र में? 4 साल से। अच्छा, जो आपने गेहूँ खरीदी करके लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को दिया? सर जी, धोखा नहीं दिया, घाटा लग गया। घाटा लग गया, तो इसे धोखा ही कहेंगे? कितने लोगों को दिया? ये तो दोनों बना दिए सर जी, 10-15 लोग थे। 10-15 लोग थे जी। तो उनका कितना पैसा खा गए तुम? सर जी खाया नहीं, घाटा लग गया। चना पर किसान 7,500 रुपया क्विंटल मिली है, तो वहाँ में भी घाटा लग गया। उसमें भी घाटा लग गया। फिर तीन महीने से। तो उनका पैसा वापस क्यों नहीं किया? कर दिया सर जी, कोई ग्राहक कर दिया, पैसा वापस कर दिया सर। तो जो तुम्हारे पे आरोप लगे हैं वो क्या है? सही है गलत है? आरोप सही है। सही है सर। वो किस समय, कब से फरार था यहाँ पे और वो कहाँ का निवासी था? वो मूलतः रहने वाला ओम प्रकाश सोनी, मूलतः रहने वाला बरेली जिला रायसेन का रहने वाला है जी। और विगत 4 वर्षों से सुनने वालों में रहता था जी। किराए के मकान में झगड़ा ना के पास शरण राजपूत के मकान किराए पे देता जी। और 2 वर्षों से मैं टेमा गांव में भी मकान किराए से दे दिया था, सुनारी का धंधा भी करता था। और यहाँ पर 2 वर्षों से किसानों से माल खरीदता था, गल्ला खरीदता था, सुनारे का धंधा भी करता था और लोगों को समय पे 1 महीने बाद पैसे वापस कर देता था। एक महीने बाद वापस कर देता था। किंतु इस वक्त उसने 4/3/2018 से 4/4/2018 के बीच में 21 किसानों का करीब 400 क्विंटल गेहूं को चना खरीदा और उसका पैसा 1-1.5 महीने में पैसा लौटाने का वादा किया। और पैसा न लौटाते हुए उसने चने की उपज को इटारसी में किसी सेठ को बेचकर पैसे लेकर फरार हो गया। इस पर थाना रेडगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसको बंडा जिला सागर से गिरफ्तार किया गया। अभी वर्तमान में उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे कि किसानों का जो 23,74,000 रुपए है वो रिकवरी की जा सके। सर उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई? आरोपी के ऊपर 400 से 420 की धारा लगाई गई है। अभी फिलहाल उससे एक इंडिका कार, मोटरसाइकिल, 20,000 रुपए की साड़ियां जो बेचने का धंधा करता था वो, और 14,300 रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। अन्य रिकवरी के लिए पुलिस रिमांड लिया गया है। कार्रवाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।